बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चेहरा न्यूज़। मैं हूँ गुलाम मुर्तज़ा। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहाँ पर अल मुस्तफा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम साल हा साल पूरा रमज़ान अफ्तार पार्टी का इंतज़ाम किया जाता है। देखते हैं फैसलाबाद से ये खुसूसी रिपोर्ट। अल मुस्तफा वेलफेयर फाउंडेशन अपनी सबका रवायात के मुताबिक इस माह मुबारक में भी अफ्तार दस्तरखान, बेवा खवातीन के लिए राशन और यतीम बच्चों के लिए ईद गिफ्ट और ओल्ड होम के बुज़ुर्गों के लिए तहफ और दीगर सरगर्मियां जो हैं वो जारी रखे हुए हैं। आज 21 रमज़ानुल मुबारक हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के यौम शहादत के मौका पर आज इस दस्तरखान पर खुसूसी अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया है, जो कि इसाल सवाब हज़रत अली अलैहिस्सलाम है। और मैं इंशाअल्लाह ताला हमारे जो टीम है, हमारी कोशिश होगी कि हम इंशाअल्लाह ताला 30 रमज़ान तक ये खिदमत का जो सफ़र है इसको जारी और सारी रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल मुस्तफा वेलफेयर फाउंडेशन अरसा दराज से रमज़ान शरीफ में मुख्तलिफ जगह पर अफ्तारी का अहतमाम करती है और इस साल हसब रवायत इस साल भी इस जगह पर लैड हॉस्पिटल के बाहर डेवर रोड पर अल्हम्दुलिल्लाह यकम रमज़ान से लेकर अब तक रोज़ बिला नागा अफ्तारी का प्रोग्राम कर रही है और दीगर प्रोग्रामों पर काम करती है, जिसमें बेवा खवातीन और दूसरे मजदूर अफराद और दीगर अहबाब की इमदाद नकदी और राशन के जरिए कर रही है। तो इंशाल्लाह ताला अल मुस्तफा वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफार्म से ये काम सदा जारी और सारी रहेगा। डॉक्टर खालिद साहब, चेयरमैन डॉक्टर खालिद साहब शहजाद साहब के ज़ेर अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल मुस्तफा वेलफेयर फाउंडेशन की जानब से तकरीबन पहले रमज़ान से यहाँ पर अफ्तार का सिलसिला जारी है। इसके अलावा हमारे फैसलाबाद में दो मकामात पर सहरी का भी इंतज़ाम है, वहाँ पर सहरी भी हो रही है और आज खसूसी तौर पर डॉक्टर साहब इस अपना कैंप में शिरकत के लिए आए। हम इनका इंतहाई दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि डॉक्टर खालिद साहब जो कि हमारे मरकजी चेयरमैन भी हैं, इन्होंने इस लंगर खाने पर आकर हमें इज़्ज़त अफजाई का मौका दिया जी।